इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी दक्षता का VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपका सेकंड ईयर का हिंदी का VVI वीडियो है और इससे पहले मैंने आपको हिंदी दक्षता के पांचों यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में करा रखा है। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अपना पूरा सिलेबस जो है वहाँ से कवर कर सकते हो और उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने ना पढ़ा हो। और यहाँ पर VVI वीडियो में मैं वही भी टॉपिक्स जो है वो आपको बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सप्लेनेशन वाली पूरी वीडियो कवर कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा आपका सिलेबस का एक भी पार्ट आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये VVI वीडियो देखोगे तो ये आपके लिए पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी पेपर की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और यूनिट वाइज मैं आपको एक ही वीडियो में पांचों यूनिट अभी निचोड़ दूंगी, जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब बता दूंगी। तो यूनिट वन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंदी भाषा, तो आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ चीज़ों की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, जिसके अंदर पहली चीज़ है सफ़र। तो हिंदी भाषा का जो सफ़र रहा है वो कैसे संस्कृत से स्टार्ट हुआ, फिर हिंदी, फिर उसमें उर्दू के कुछ शब्द और इंग्लिश के कुछ शब्द और आज जो हिंदी भाषा है, ये पूरा जो रास्ता है सफ़र है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इसके बारे में कोई इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। तो आप बस अपनी अपना मसाला तैयार रखो और जो भी क्वेश्चन आता है उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर को फिर मॉडिफाई कर देना। इसके अलावा आपको हिंदी भाषा के गुण और सीमाओं को भी पढ़ना है कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं हिंदी भाषा के अंदर और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो ये सारा मैंने यूनिट वन की एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हुआ है, एक बार वहाँ से जाकर आप पॉइंट्स वगैरह नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, वो क्वेश्चन है आपका बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या होता है कि एक से ज़्यादा भाषाओं को एक बराबर सम्मान देना, तो ये होती है बहुभाषिकता। अब इसका महत्व क्या है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। तो आपको बताना होगा कि इससे क्या होता है, विविधता के अवसर मिलते हैं, ज्ञान का विस्तार होता है, विभिन्न भाषाओं को सम्मान मिलता है, साहित्य में व्यापकता आती है और अस्मिता बनी रहती है हर भाषा की। तो ये कुछ महत्व है बहुभाषिकता के और आपको बहुभाषिकता ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है पेपर में। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो आप पहले भी अन्य सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ चुके हो, तो इसके अंदर क्या था कि तीन भाषाओं के फॉर्मूले को लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक तो आपकी मातृभाषा होगी, सेकेंड फिर प्राथमिक भाषा, फिर द्वितीय यानी सेकेंड लैंग्वेज। तो इस तरीके से तीन भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके लिए वो है NCF 2005 भाषा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर NCF 2005 में आपको पूरी पाठ्यचर्या से रिलेटेड बात नहीं करनी, सिर्फ लैंग्वेज और जो सिलेबस है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है उसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि NCF 2005 में क्या कहा गया कि भाषा और रिलेटेड घरेलू भाषा पर बल दिया जाए, उच्च स्तर पर अन्य भाषाओं को सिखाया जाए, मातृभाषा जो है वो प्राथमिक स्तर तक होनी चाहिए और संस्कृत भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है NCF 2005 के बारे में, अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। और एक बात मैं बता दूँ, ये NCF 2005 जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत ही ट्रेंड बना हुआ है। आप देखोगे पिछले क्वेश्चन पेपर में तो हर जगह आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। आगे चलिए यूनिट टू की अगर हम बात करें तो इसमें भाषा सौंदर्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए जो इन उपकरणों को यूज़ करते हैं, फिर उससे क्या होती है भाषा को सुंदर बनाया जा सकता है, जैसे अलंकार हो गए, दोहा, छंद, समास, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके अलावा यूनिट टू में जो आपके टॉपिक हैं वो पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है, व्याकरण का विषय है, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन से व्याकरण के ऐसे विषय हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और एक बात ये आप ज़रूर पढ़े जाएँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो पाँचों अटैम्प्ट करते हो ना तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस ये अच्छा है बजाय ऑप्शनल क्वेश्चन के कि आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प करो और 8-8 नंबर के लिए दो दो लाइन लिखनी पड़ रही हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो आप इन ग्रामेटिकल पार्ट को पढ़ के जाइए, जिसमें कि अलंकार क्या हैं, शब्द शक्ति क्या है,
रस क्या है, दोहा, छंद, चौपाई, उपसर्ग प्रत्यय आपको पता ही होंगे, और समास और संधि क्या होती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इसको पढ़े जाइए, इस ग्रामेटिकल पार्ट को। तो यही बस इतना ही है आपके यूनिट 2 में, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है, तो पढ़े जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और नंबर आप यहाँ पर गेन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पर आपके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है समाज और साहित्य का संबंध। तो ये जो समाज है, हम रहते हैं जिसके अंदर, वो और जो लिटरेचर है हमारा, साहित्य है हमारा, उसमें क्या संबंध है। तो क्या होता है समाज, और जो दर्पण होता है एक तरह से साहित्य, उसके अंदर समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें साहित्य में भी देखने को मिलती हैं। इससे हम यथार्थ का सामना कर पाते हैं, और उपयुक्त समाधान भी बताता है हमें साहित्य कि अगर ये समस्याएं हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा व्यक्ति और समाज को साहित्य क्या करता है, जोड़ता है। तो इस तरीके से संबंधित है ये दोनों। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आना ही आना है क्वेश्चन, कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, किस तरीके से हिंदी साहित्य को डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर चार तरह के काल बताए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इन चारों कालों के सन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन कालों की क्या क्या विशेषताएं थी, और कौन कौन से लेखक कौन से समय में रहे हैं। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी है आपके लिए पेपर में लिखने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए प्रमुख साहित्यकार। तो इन साहित्यकारों में आपके कई सारे कवि और लेखकों के नाम दिए गए हैं सिलेबस में, तो मैंने सारे तो नहीं बताए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके ही नाम यहाँ पर बताए हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो मैंने नहीं बताए, जरूरी नहीं है कि वो नहीं ही आएंगे, एक बार आप उनके बारे में भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ ना, इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जहाँ पे नंबर 1 पर आपके प्रेमचंद हैं, फिर सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तुलसीदास। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, इनसे रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब ये तो आपके लक की बात है कि आपने किसको ज़्यादा पढ़ा और उसके ऊपर ही पूरा पूरा क्वेश्चन आ गया है। वैसे ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ही हैं। इसके अलावा फिर आएगा बाल साहित्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ नहीं सकते आप इसको। तो बाल साहित्य में क्या है कि बालकों के लिए जो साहित्य बनाया जाता है, जिसमें बालकों के लिए कहानियाँ कविताएँ होती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा जो टॉपिक है राष्ट्रकवि का, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रकवि का अर्थ क्या है, कौन होते हैं राष्ट्रकवि, और फिर इसके उदाहरण में आप मैथिली शरण गुप्त और भी आपके सिलेबस में एक दो नाम दिए गए हैं, उनकी थोड़ी सी जीवनी पढ़ कर जा सकते हो। फिर आता है टॉपिक आपका पुरस्कारों का, तो यहाँ पर आपको 3 तरह के पुरस्कार दिए गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी और हिंदी अकादमी। तो आपको इन पुरस्कारों के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें पढ़नी है कि तो आपको क्या कार्य करने पे ये पुरस्कार मिलेंगे, और दूसरा पुरस्कार इस स्वरूप आपको कितनी धनराशि दी जाएगी। तो कुछ जो टॉपिक जो कॉमन है इन तीनों के बीच वो है राशि वितरण, कि तीनों में ही आपको कुछ ना कुछ राशि मिलेगी। फिर प्रोत्साहन मिलेगा, साहित्य क्षेत्र में योगदान मिलेगा, साहित्य का प्रसारण होगा और लोगों के बीच रुचि जागृत होगी हिंदी साहित्य को लेकर। तो इसीलिए ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 पर, और यहाँ पर जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चिंतन कौशल की विधियाँ और अर्थ। तो चिंतन कौशल होता क्या है, चिंतन यानी सोचना, तो हम बच्चों इस चिंतन कौशल यानी सोचने की शक्ति को कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए मेथड जो है, विधियां जो हैं, ये जरूर क्वेश्चन आना है, मतलब आना ही आना है। इंटरनल में भी आया था, 2019 में भी आया था, उससे पीछे 18 भी देख लो, 17 भी देख लो, सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो विधियाँ कौन कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी आपके सिलेबस में हैं, बट 5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है परिचर्चा विधि, वाद विवाद, संक्षेपण, प्रश्न उत्तर और तुलना। तो अगर हम ये चीज़ें कराते हैं अपने क्लासरूम में, बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और संक्षेपण वाला मतलब कि बड़ा सा पढ़ा के फिर उसको संक्षेप में लिखना है, प्रश्न उत्तर पूछते हैं बच्चों से, तुलनाएं कराते हैं, तो इन तरीके से बच्चों की जो चिंतन कौशल की शक्ति है वो विकास करती हैं। फिर आपको एक पाठ योजना भी तैयार करके जानी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन प्लानिंग आती ही आती है।
ये अलग बात है कि आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन मिल जाता है, बट मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन ना आता हो तो फिर लेसन प्लान ही आपको सेव कर सकता है। तो ये लेसन प्लान बनाना जरूर सीख के जाएं किसी भी ग्रामर के पार्ट पे, और ग्रामेटिकल पार्ट पे भी हो सकता है, और कविता, पत्र, संवाद या निबंध, इन चारों के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहानी क्या होती है, कविता क्या होता है, पत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आइए यूनिट 5 की तरफ, और आपको यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हॉट टॉपिक भी है तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि हिंदी भाषा का वैश्वीकरण, वैश्वीकरण पूरे विश्व में हिंदी किस तरीके से फैल रही है ये बताना है आपको। और इंटरनल में जो क्वेश्चन आया था वह ये आया हुआ था कि आप क्या उपाय बताएंगे जिससे विश्व में हिंदी को एक स्थान मिले। तो क्या क्या हो सकते हैं तरीके वैश्वीकरण के? व्यापार के तरीके से हो सकता है, तो वाणिज्य हो सकता है, सिनेमा जगत, साहित्य और संस्कृति, सांस्कृतिक जो प्रभाव होता है वो। तो ये सारे तरीकों से क्या होती है, भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो यही तरीके हैं जिससे वैश्वीकरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पत्रकारिता। तो पत्रकारिता क्या होती है? जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट का काम होता है, पत्रकारों का जो काम होता है वही होता है जर्नलिज्म। तो इसके महत्व को आपको बताना होगा, जो कि 5 भागों में डिवाइडेड है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक। इसके अंदर आपको बताना होगा कि सामाजिक महत्व क्या है, कि समाज को जागरूक करता है ये, आर्थिक क्या है कि इसमें व्यवसाय भी है, कलात्मक क्या है, कलाओं को जोड़ता है, राजनीतिक में राजनीति से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन्हें सामने लाता है, फिर वैज्ञानिक तौर से जितनी भी खोज की जा रही है, शोध किए जा रहे हैं, और उनकी जानकारी एक से दूसरी जगह पर लेके जाता है। फिर है आपका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अच्छे अनुवाद एक या गुण है, या कौन अच्छा अनुवादक है? तो गुण यही है कि जिस भी चीज़ का अनुवाद किया जाए वो बात वैसी ही समझ में आए जैसी कि वो अपने मूल भाषा में है। तो सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है। इसके अलावा अगर आपको और पॉइंट्स देने हो तो आप यूनिट 4-5 की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जाकर देख लो। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। अभी आपका CPE यानी करिकुलम वाला नहीं है, ये आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड अनुसंधान है या फिर शोध है कह लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाषा क्षेत्र में किया गया शोध होता है, ये समस्या की पहचान करता है, उपयुक्त उपचार करता है, इसमें बेहतर की संभावनाएँ होती हैं, और ये चिंतनशील होता है यानी चिंतन कौशल पर ये बल देता है। तो ये आपके यहाँ पर यूनिट 1 से लेके 5 तक हिंदी दक्षता के कंप्लीट हो रहे हैं, और जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं इन टॉपिक्स को तो आप ज़रूर पढ़े जाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, और अच्छे से पेपर करके आइएगा।